हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन का सालन। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने हाफ के जी चिकन ले लिया है, उसे हमने अच्छे से धो लिया और छन्नी में छाने रख दिया है। हमने दो प्याज का ब्लिस्टर बना लिया, एक टमाटर लिया है, 2 टेबल स्पून हरा मसाला, हल्दी 1 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 2 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, दही हमने आधा कप लिया है और अच्छी का चिकन का मसाला है। अगर ये ना हो तो आप एवरेस्ट का मसाला भी डाल सकते हैं। अभी हमने जो तेल में ब्रिस्ता फ्राई किया था, अभी हम उसी में चिकन डाल देंगे और चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसका पानी सूखे तक उसको फ्राई करना है अच्छे से। चिकन को से फ्राई करने से वो टूटती नहीं है बल्कि अच्छे से हो जाती है। उसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। अभी अभी हमें इसमें नमक ऐड कर देना है, नमक अपने हिसाब से डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अभी हम इसमें हरा मसाला डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करके इसे पकाने रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि वो अच्छे से भुने जाए, उसकी स्मेल जो है हरे मसाले की वो ख़त्म हो जाए। अभी हम टमाटर चॉप करके रखे तो वो भी हम इसमें डाल देंगे और उसे भी अच्छे से हम पकाने रख देंगे ताकि वो अच्छे से गल जाए। अभी हमारा टमाटर गल गया है। अभी हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे, रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे और हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे। थोड़ा सी पानी ऐड करना है अभी और उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हमने जो ब्रिस्ता और दही रखा था उसे हमने ग्राइंड कर दिया है मिक्सर में और उसे भी हमने डाल दिया है और उसे अच्छे से पकने रखेंगे ताकि वो अच्छे से पक जाए। अभी हम अच्छी का मसाला डाल देंगे जो हमने लिया था। आप लोग एवरेस्ट का भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं अच्छी का ही डालें, वो भी डाल सकते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा सी पानी ऐड करेंगे और ताकि हमारा मसाला थोड़ा नीचे लगे नहीं, अच्छे से पक जाए, अच्छे से भुने जाए। अभी हम इसे कवर करके रख देंगे। देखिए हमारी चिकन कितने अच्छे से हो गई है, आप देख सकते हो उसका कलर कितना अच्छा आया है। अभी हम उसमें कोथमीर ऐड कर देंगे, यानी कोरिएंडर लीव्स ऐड कर लेंगे और उसे मिक्स कर देंगे अच्छे से और ढक के रख देंगे, कवर करके रख देंगे। 5 मिनट हो गया, उसके बाद हमने अपना कवर हटा दिया है, यानी ढक्कन हटा दिया है। अभी हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से और हमने एक पतीले में थोड़ा सी पानी गर्म किया था, अभी हम वही गर्म पानी इसमें ऐड कर देंगे और उसे थोड़ी देर पकने रख देंगे ताकि उसको अच्छे से जोश आ जाए और वो पक जाए। आप देखिए मेरा सालन कितना अच्छा लग रहा है, आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए। अगर आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट्स कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।